दोस्तों, अगर आप भी एक न्यू यूट्यूबर हो और आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में आपने सोचा होगा कि मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं, अब मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स को हाइड कर लेने चाहिए। आपने ये सोचा होगा, अगर आप ये सोचते हो तो आपने ये भी सोचा होगा कि मैं अपने चैनल पर सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकता हूँ, वो भी बेटा स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड कर सकते हो, और भी बिल्कुल आसानी से, वो भी बेटा स्टूडियो में। तो आज की वीडियो में हम यही बात करें, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को पूरा देखते रहे बिना कहीं स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कौन सा फ़ायदा मिलता है सब्सक्राइबर्स को हाइड करके। तो जैसे कि आपने कोई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल आपने अपलोड की है और आपकी वो वीडियो कोई व्यूवर आकर देख रहा है, उसको वो आपकी वीडियो पसंद नहीं आई है, पर आपके यूट्यूब चैनल पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो ऐसे में अगर वो वीडियो उसको पसंद नहीं आएगा, वो पहले आपको सब्सक्राइबर्स देखे कहेगा ये इसके तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इसका चैनल तो सब्सक्राइब करने को बनता है क्योंकि इसके अंदर टैलेंट ही टैलेंट है। और ऐसे होता है अगर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स होते हैं, और आप मान लीजिए कि आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स ही नहीं है और उस व्यूअर को आपकी वो वीडियो पसंद आ जाती है और आपके चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं है, वो देखेगा इसके चैनल पर तो सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं होगा, तो ऐसे में वो व्यूअर आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। तो ऐसे में अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर लोगे तो वो सब्सक्राइबर्स कोई भी देख नहीं सकेगा। तो ये फ़ायदा मिलता है अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कर लेते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हाइड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। सब्सक्राइबर्स को हाइड करने के लिए आपको जाना होता है क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होता है youtube.com। तो जब आप सर्च करो तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, तो यहाँ पर आपको थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ से चॉइस कर लेना है डेस्कटॉप साइट को। तो फिर आपके सामने ये डेस्कटॉप साइट पर ओपन हो जाएगा, फिर थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ थोड़ा जूम करना है और यहाँ पर आपको अपने आपके चैनल का लोगो दिखेगा, आपने अपने चैनल पर लोगों पर क्लिक करना है और यहाँ पर चले जाना है यूअर चैनल पर। तो जब आप वहाँ पर क्लिक करो तो फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेटिंग का। तो जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कॉर्नर पर सेटिंग का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर चले जाना है चैनल के ऑप्शन पे सेकंड नंबर पे, और यहाँ चले जाना है दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा एडवांस सेटिंग, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा स्लाइड करना है और यहाँ पर एक ब्लू कलर में दिखेगा आपको एडवांस चैनल सेटिंग्स, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। पहले ये आपको YouTube पे लेकर जाएगा, फिर वहाँ से आपको रिडायरेक्ट कर लेगा था किसी ब्राउज़र पे। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से मैं क्रोम ब्राउज़र को चॉइस कर लेता हूँ। फिर आगे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है स्लाइड करके, और यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पे आपको एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ पर भी है और नीचे वाले में भी है, ये आपका सबसे ऊपर वाले पे होगा। जैसे कि यहाँ पर होगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ, यहाँ पर होगा पहले नंबर वाले पे, और इसको हमने क्या करना है, डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ, दूसरे नंबर वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेव का, तो यहाँ पर आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स थे वो हाइड हो चुके हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ वाले पे सब्सक्राइबर्स काउंट्स ऊपर आपको दिख जाएगा, तो यहाँ वाले पे क्लिक करना है ना कि ऊपर वाले पे, बस आपको ये ध्यान रखना है, नीचे वाले पे क्लिक करना है, ऊपर वाले पे रहेगा तो आपके सब्सक्राइबर्स नहीं हाइड होंगे। दोस्तों, ऐसे आप बिल्कुल आसानी से बेटा स्टूडियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। और अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मेरे को आसानी से फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो मेरे को कमेंट करिएगा, या फिर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक और टेलीग्राम चैनल लिंक दोनों दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप मेरे को आसानी से फॉलो करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।